प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने देश में मचे सियासी बवाल पर अहम बयान दिए। दरअसल पंजाब में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का काफिला बुधवार को हाईवे पर रोका गया। इसे भाजपा सुरक्षा में चूक, भाजपा की कांग्रेस सरकार की साजिश बता रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरी घटना को पंजाब में कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करने का षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का काफिला उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई बार जाम में फंसा है, इस बार चुनाव सिर पर है, लोगों की सहानुभूति चाहिए तो जान का खतरा बताया जा रहा है। अब सत्ता के लिए प्रधानमंत्री कितना नीचे गिरेंगे? प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उनकी सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। पंजाब सरकार ने पूरी व्यवस्था की थी। पंजाब पुलिस के 20 आईपीएस अधिकारी और 10,000 जवान लगाए गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री को ये क्यों कहना पड़ा कि जिंदा लौट पाया? क्या उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, काले झंडे दिखाए गए? ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को पंजाब में एक दलित सीएम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बयान देते हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं सुरक्षित लौट आया, इसलिए धन्यवाद, आपको कौन सा थ्रेट हो गया था? क्या आपके गाड़ी में पथराव हो गया? क्या आपको काले झंडा दिखाया गया? ऐसी क्या घटना घट गई जो ये बयान देने की जरूरत पड़ी आपको? इसका मतलब यह है कि विशुद्ध रूप से आप राजनीति कर रहे हैं। सुरक्षा तो एक बहाना है, आप केवल राजनीति चमकाने गए थे वहां, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके पहले क्या प्रधानमंत्री जाम में नहीं फंसे हैं? मेट्रो का उद्घाटन करने गए थे 2017 में, आप जाम में नहीं फंसे थे? क्या दिल्ली में दो बार जाम में आप नहीं फंसे थे? तब आपके लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री भी आम नागरिक की तरह हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज।